मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, किसानों को जल्द फसल बीमा की राशि उनके खाते में डाली जाएगी। अति वर्षा से प्रभावित फसलों को लेकर भी सीएम ने कहा कि ये जो अभी मौसम चल रहा है, इसकी सभी जगह सर्वे के आदेश दे दिए गए, जहां जहां भी फसलों को नुकसान हुआ है सभी को बीमा राशि मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जय जवान जय किसान, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें एवं कमेंट करके अपनी कीमती राय देना बिल्कुल ना भूले। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं और बड़ी योजनाओं को लेकर अपना भाषण शुरू किया और फसल को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि जहां भी फसलों को नुकसान हुआ है उसकी अति शीघ्र नुकसान की राशि खाते में डालेंगे। आगे सीएम शिवराज ने कहा कि पहले कम वर्षा से फसल सूख गई और अब अति वर्षा भारी बारिश से फसल खराब हो गई है। सभी जगह निर्देश दे दिए गए हैं, अधिकारी खेत में जाकर फसलों का सर्वे कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ होने जा रहा है। आप सभी से आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर बीजेपी को आशीर्वाद दें, क्योंकि 25 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भोपाल आ रहे हैं। आगे सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी 6000 और मेरे 6000 से किसानों को आर्थिक मदद मिल रही है। किसान मुझे कह रहे हैं जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ कि ये आपने हमारे लिए बहुत अच्छी योजना शुरू की है। जल्द सीएम किसान कल्याण निधि योजना के 2000 रुपये आपके खातों में आने वाले हैं और अब तो अनुदान पर ट्रांसफार्मर योजना फिर से शुरू हो गई है, जिसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना रख दिया गया है, जिसके साथ ट्रांसफार्मर व कृषि सिंचाई पंप भी किसानों को 50% अनुदान पर मिलने जा रहे हैं। और मैं यहीं नहीं रुकने वाला हूं, लाडली बहना योजना यानी किसान परिवार की बहनों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर भी बनाने जा रहा हूं। आगे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2000 रुपये के साथ फसल बीमा भी देना है। उम्मीद है किसान भाइयों सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कही गई बातें आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी प्यारी राय जरूर दीजिए और वीडियो को उन्हीं लोगों के पास शेयर करिए जो खेती किसानी या किसानों के समर्थन में काम कर रहे हैं या किसान हैं।